लाल सागर इजराइल, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के युद्धपोत और मालवाहक जहाजों का कब्रिस्तान बना हुआ है। यमन का हूती लगातार लाल सागर में इन देशों के जहाजों को निशाना बना रहा है। हूती ने लाल सागर में कई जहाजों को डुबो तक दिया है, जबकि एक जहाज को बंधक बनाया हुआ है। लेकिन इससे एक कदम आगे चलते हुए अब हूती अमेरिका के अरबों डॉलर्स के महंगे ड्रोन्स एक झटके में समंदर में डुबो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन की, जिसे हूती ने एक बार फिर से लाल सागर में मार गिराया है। दरअसल हूती ने दावा किया है कि उसने 17 मई 2024 को अमेरिका के MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन को निशाना बनाया है। ये ड्रोन लाल सागर में उड़ान भर रहा था। हालांकि अमेरिका ने अभी तक हूती के इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर हूती का दावा सही है तो अमेरिका का ये छठा ड्रोन होगा जिसे हूती ने मार गिराया है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर याया सारी का कहना है कि हूती ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन यमन के मारीब प्रांत में शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कर रहा था। आपको बता दें कि मारीब प्रांत पर चुनी हुई सरकार का शासन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, जबकि यमन की राजधानी समेत आधे से ज्यादा हिस्सों में हूती का कब्जा है। हालांकि इस हमले को लेकर एक वायरल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक ड्रोन के टुकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर ये दावा सही है तो अमेरिका को एक बार फिर से करोड़ों डॉलर का चूना लगा है, क्योंकि अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत करीब 3 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसके अलावा इसमें 24 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता है। इस ड्रोन को ऑटोमेटिक और रिमोट के जरिए चलाया जा सकता है। इसमें टर्बो प्रॉप इंजन लगा हुआ है। इस ड्रोन में कई सेंसर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें एक थर्मोग्राफिक कैमरा भी लगा हुआ है, जो टारगेट को तेजी से पहचानता है। ये ड्रोन 450 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसके अलावा ये हवा में 24 घंटे से 42 घंटे तक उड़ान भर सकता है, और पेलोड ले जाने के बाद ये ड्रोन 14 घंटे तक उड़ान भर सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरी बार पिछले महीने 27 अप्रैल 2024 को हूती ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया था। उस वक्त ये ड्रोन यमन के सादा प्रांत में उड़ान भर रहा था, और अब इस हमले को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था और हूती ने अमेरिका के एक दूसरे ड्रोन को भी ठिकाने लगा दिया है। और इससे पहले नवम्बर 2023 में यमन के तट पर हूती ने MQ-9 ड्रोन को मार गिराया था, और इसके बाद फरवरी 2024 में भी हूती ने लाल सागर में अमेरिका के रीपर ड्रोन को मार गिराया था। और अब एक बार फिर से हूती ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। हूती का कहना है कि जब तक गाजा में युद्ध नहीं रुकता, तब तक उसके ये हमले जारी रहेंगे।